हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसएसटी क्लास। टुडे विल डिस्कस चैप्टर नंबर 4, एन आइडियल होम। दिस इज फॉर द क्लास 4th स्टूडेंट। तो हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। द टॉपिक इज एन आइडियल होम। सो उसको हम लोग देखते हैं। ऐसा लिव्स इन अ स्मॉल हाउस ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ ए स्मॉल टाउनशिप ऑफ बागमपुर इन उत्तर प्रदेश। सो ऐसा कहाँ, एक छोटा सा गांव जहाँ पे छोटा सा टाउनशिप होता है, उत्तर प्रदेश का बागमपुर में रहती थी। द रोड आर कच्चा मीन ऑन सरफेस्ट, जहाँ पे पिचू रास्ता जो नहीं होता है उसको कच्चा रोड बोलते हैं, मिट्टी से बनता है वही। द रोड्स आर कच्चा एंड द ड्रेन्स आर अनकवर। ड्रेन खोला है, जो ड्रेन बन के उसमें कोई ऊपर ऐसे कुछ ढकने का चीज़ नहीं था। तो अगर ड्रेन खोला है तो मच्छर वगैरह आएंगे, गंदगी आएगा, बहुत सारे चीज़, तो इस टाइप का काम था। बट आयसा फैमिली कीप देयर होम एंड सराउंडिंग वेरी क्लीन। लेकिन क्या आयसा का फैमिली अपना घर और घर के साथ साथ घर का सराउंडिंग आसपास या आंगन साफ सुथरा रखते थे। द एंटायर नेबरहुड एंश्योर दैट द गार्बेज इज नॉट थ्रोन इन द ड्रेन्स और ऑन द स्ट्रीट। घर का पड़ोसी ऐसे का पड़ोसी, टोटल जितने भी पड़ोसी लोग हैं, उन लोग को भी बताया जा रहा था कि घर का आसपास में या ड्रेन में या रास्ता में गार्बेज ना फेंके, गंदगी नहीं करें, कचरा ना फेंके। दे हैव डग ए डीप पिट एट ए स्मॉल डिस्टेंस वेयर द गार्बेज इज थ्रोन एंड कवर्ड विद सॉइल टू कन्वर्ट इट इन टू द कंपोस्ट। तो वो लोग घर से थोड़ा दूर उसमें मिट्टी को खोल के मिट्टी का अंदर को गड्ढा करके गड्ढा में सारे गार्बेज को डालते थे और उसको मिट्टी से ढक देते थे, जो कि ये किसमें कन्वर्ट हो जा रहा था, कंपोस्ट, खाद जो बोलते हैं, खाद में कन्वर्ट हो जा रहा था। निराड लिव्स इन ए मैसन इन विलेज भोगपुर। निराड लिव्स इन ए मैसन, मैसन मीन राजमिस्त्री बोलते हैं, इन विलेज भोगपुर। इट इज़ सराउंडेड बाय लॉट ऑफ ग्रीनरी। तो उसका जो गांव पूरा माने हरी भरी है। इट इज़ ए विलेज ऑफ रिच फार्मर्स बट द पीपल थ्रू द वेस्ट नियर देयर मेन गेट्स। यहाँ पे फार्मर्स बहुत रहते थे, लेकिन वहाँ का लोग थोड़ा इतना सचेतन नहीं है कि गेट का पास में ही अपना गार्बेज कीचड़ सब फेंकते थे। A huge pile of stinking garbage gets accumulated. The villagers have to cover their nose when they pass the street. Moreover, flies and mosquitoes breed on the garbage. तो बहुत सारे गंदगी या कचोड़ एक जगह में गिरा रहेगा तो उसमें डे टू डे गंदगी फैलेगा, मच्छर पैदा होंगे और डिजीज भी पैदा होगा। तो लोग जब आना जाना करते थे उस टाइम नोज में, नाक में जैसे कपड़ा ढाक के या मास्क पहन के जाना आना करते हैं। ऐसे भी आजकल हम लोग कोरोना के वजह से मास्क पहनते हैं, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट पेज। दिस इज एन एक्टिविटी।
हाउ आर द सराउंडिंग ऑफ आयशास हाउस बेटर देन निराट्स हाउस गिव टू रीजन दो रीजन आयशास फैमिली कीप देयर सराउंडिंग क्लीन एंड आयशास फैमिली कलेक्ट द वर्क कलेक्ट ओके वॉश इन ए पीट एंड मेक कंपोस्ट इन दियर विलेज मेंशन वन गुड पॉइंट एंड वन बैड पॉइंट ऑफ योर नेबरहुड्स गुड पॉइंट ऑफ माई ब्रदरहुड इज यू नो दैट देयर मे दे क्लीनिंग देयर होम बट बैड पॉइंट दे आर नॉट throwing the garbage in the small distance of the home, just they are throwing their garbage near the home. Okay, this is good and bad. You have to write. We are all responsible for keeping our neighborhood clean. हम सब लोग दायित्ववान है और दायी हैं या हम लोग को जो क्या कहते हैं responsible है कि हमारे घर का क्लीन और घर का आसपास क्लीन या सारे पड़ोसी लोगों का सचेतन करना या उन लोग से मिलके सब नीट एंड क्लीन रखना ये हम लोग का सारे लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी है एन आइडियल नेबरहुड रिक्वायर्स ईच एंड एवरी मेंबर टू लुक आफ्टर his and her houses as well as the surrounding. तो an ideal neighbors एक ideal पड़ोसी तो हर किसी को ज़रूरत है हर किसी member के साथ और इस type का लोग अगर मिल जाए तो जब definitely आपका घर के साथ साथ घर का surrounding आसपास में neat and clean रहेगा greenery रहेगा रहने में मज़ा आएगा सारी चीज़ ठीक ठाक होगा तो देन हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ एन आइडियल होम द फीचर्स ऑफ आइडियल होम फीचर्स क्या क्या होना चाहिए आइडियल होम का द साइज लोकेशन और द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग ए हाउस इज नॉट ए इम्पोर्टेंट एज मेंटेनिंग द हाउस एंड आर द नेबरहुड ए सिंपल हाउस कैन बी कन्वर्टेड इंटू एन आइडियल होम एंड इफ वी टेक केयर ऑफ द फॉलोइंग उसका साइज लोकेशन या बिल्डिंग का कितना कॉस्ट है कितना पैसा में घर बना है ये सारे इम्पोर्टेंट नहीं है कि आइडियल होम का एक फीचर हो बोल के ये भी हो सकता है सिंपल हाउस कैन बी कन्वर्टेड इंटू एन आइडियल होम मान छोटा सा ये मिट्टी का हट जैसे मिट्टी का घर भी हो सकता है आइडियल होम अगर हम लोग उसका जो देखभाल या उसका क्या टेक अच्छा से करें या ज़रूरतमंद जो चीज़ होता है एज द नीड ऑफ दिस एज इफ विल फॉलो द रियलिटी एंड कीप आवर होम नीट एंड क्लीन विथ ग्रीनरी देन डेफिनेटली इट विल बी एन आइडियल होम ओके सो राइट नाउ विल मूव टू वन बाय वन द फीचर्स वन सनलाइट इट ब्राइटन्स our home and keeps the room dry. The sunlight keeps the germs away. There should be sufficient windows and verandas to get plenty of sunlight. तो घर में खिड़की होना चाहिए जो sunlight पास होने का रास्ता होना चाहिए जिस वजह से sunlight अगर धूप अगर आता है या sunlight अगर घर में घुसता है तो क्या है घर का जितना जर्म है वो क्या है सूख जाता है या सफिशेंट विंडो आ जाए तो उसमें भी विंडो से सफिशेंट सनलाइट आ जाए या बरंडा की तरफ से आ जाए तो डेफिनेटली जितना भी जर्म है गंदगी चीज़ है वो धूप में वो क्या है भरपूर हो जाता है सूख जाता है और एक प्रकार नीट एंड क्लीन होता है तो डू यू नो में देखो सनलाइट इज़ ए रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी विच स्ट्रेंथेंस आवर बोन ओके विटामिन डी मिलता है सनलाइट में
तो बच्चों सनलाइट को हम लोग छोड़ना नहीं, उसको रखना है। कैसे आए घर सनलाइट और हमारा घर एन आइडियल होम हो जाए, उसको हम लोग कोशिश करेंगे। देन सेकंड फीचर्स वेंटिलेशन, विंडोज एंड डोर्स शुड फेस ईच अदर टू अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फ्रेश एयर। दे ऑल्सो एंश्योर द आउटलेट ऑफ डर्टी एयर फ्रॉम द होम विच इज नेसेसरी फॉर आवर हेल्थ। तो वेंटिलेशन, अगर डोर खुला रखेंगे कबाट खुला रखेंगे, दरवाज़ा जो है खुला रखेंगे या खिड़की खुला रखेंगे, तो अंदर का जितने सारे खराब जो बोल सकते हैं या जैसे कार्बन टाइप जैसा कोई गैस टाइप चीज़ है, कोई अच्छा चीज़ नहीं, घर का चीज़ अगर बाहर से चला जाए, मतलब इतना एयर चला जाए, घर का एयर चला जाए बाहर, चला जाए बाहर का अंदर आए, तो ये अच्छा होगा। तो वेंटिलेशन है ना होना ज़रूरी है, घर वेंटिलेशन होगा तो आइडियल होम हो जाएंगे। और इसमें क्या है, आपको हेल्थ के लिए स्वास्थ्यवान हो जाएंगे, हेल्थ के लिए बहुत फायदा है, फायदा माने देखो यहाँ पे डू यू नो, एक चीज़ यहाँ डू यू नो नाउ एन आइडियल होम शुड हैव अ चिमनी और एन एग्जॉस्ट फैन टू लेट द स्मोक आउट। दिस हेल्प इन कीपिंग द हाउस फ्री फ्रॉम आउटडोर एंड पॉल्यूशन। सो इन इन एन आइडियल होम देयर शुड बी अ चिमनी एंड दैट और एन एग्जॉस्ट फैन विच लेट द स्मोक आउट एंड दिस हेल्प इन कीपिंग द हाउस फ्री फ्रॉम द आउटडोर्स एंड पॉल्यूशन। ओके देन कम टू द नेक्स्ट फीचर्स, दिस इज नेक्स्ट फीचर, कम टू द नेक्स्ट फीचर। ओके फीचर नंबर थ्री, सैनिटाइजेशन और सैनिटेशन एन आइडियल होम मोस्ट हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू रिमूव द डर्टी वाटर। द ड्रेन शुड बी कवर्ड एंड क्लीन रेगुलरली टू प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज, जर्म्स, मॉस्किटोज एंड कॉकरोचेस। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस लाइक मलेरिया, डेंगू, कोलेरा एटसेट्रा। द डस्टबिन शुड हैव अ लीड एंड इट मस्ट बी क्लीन एवरी डे। सो स्टूडेंट इन सैनिटेशन इन प्रॉपरली इट नीडेड इन एन आइडियल होम, वी बॉट विदाउट सैनिटेशन डेफिनेटली वी फेस दिस टाइप ऑफ डिसीजेज लाइक मलेरिया, डेंगू, कोलेरा, देर नो डाउट। सो वाट एन आइडियल होम मस्ट हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। तो ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए क्योंकि जो भी डर्टी वाट गंदगी जो पानी है वो रिमूव करे या निकाल जाए, इसलिए हम लोग ड्रेनेज सिस्टम घर से करना जरूरी है। ड्रेन्स शुड बी कवर्ड एंड क्लीन रेगुलरली प्रिवेंट द ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज, जर्म्स, मॉस्किटोज एंड कॉकरोच। तो जो गंदगी नाली को हम डेली को मैंने डेली नहीं करें भी तो रेगुलरली उसको हम लोग साफ करना चाहिए, जिसमें हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या चीज़ प्रिवेंट कर सकते हैं, ना ब्रीडिंग्स ऑफ फ्लाइज, मॉस्किटोज या जर्म्स या कॉकरोच, ये सारी चीज़ पैदा होते हैं जो गंदगी से, ये गंदगी नली से, उन नली को हम लोग साफ सुथरा रखेंगे तो ये सारे पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाएगा। तो सैनिटाइजेशन या सैनिटेशन जरूरी है। ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेज लाइक, ए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम हम लोग जरूर हम लोग को प्रोटेक्ट करेगा कहाँ से, ना मलेरिया जैसा डिसीज से, डेंगू जैसा डिसीज से और कोलेरा जैसा डिसीज से। सो ये सो द डस्टबिन शुड हैव ए लीड एंड इट मस्ट बी क्लीन एवरी डे। तो डस्टबिन भी हम उसको क्या करना चाहिए, सूखा करना रखना चाहिए और उसको हम लोग डेली बेसिस में साफ सुथरा रखना चाहिए। Now do you know, you just look here, the drains from bathroom and kitchen should slope for an efficient system of cleaning. So student, the drains from bathroom से और kitchen room और bathroom room से the drain system efficiently और clean होके निकलना चाहिए और उसमें रहना चाहिए। So come to next features. फीचर्स फॉर डोर्स एंड विंडोज़,
ए गुड हाउस शुड हैव टू टू डोर्स एंड डोर्स एंड वुडन डोर्स एंड वायर लेंट फ्लाई मैस डोर द विंडोज शुड हैव फ्लाई मैस टू कीप फ्लाइज एंड मॉस्किटो अवे एंड अलाउ फ्रेश। तो हर घर में क्या है, कम से कम दो दरवाज़ा रहना चाहिए, या जिसे मान तो ये खिड़की तो रहना ज़रूरी है, अगर ये नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इस अगर खिड़की दरवाज़ा खुला रखेंगे और ये सारे रहेगा तो बाहर का फ्रेश एयर एंट्री करके घर का अंदर आएगा, और घर का दुर्गंध जैसा चीज़ ऐसे तो होते रहता है, ये सारे चीज़ बाहर जाएगा और घर क्लीन हो जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट फिफ्थ नंबर फीचर्स, वाटर सप्लाई। An ideal home must have sufficient water supply for bathing, washing clothes, cleaning utensils, wiping floors, floors etc. तो ideal home में क्या सारे चीज़ होना चाहिए, ना sufficient water supply होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ना धोने के लिए, कपड़ा साफ करने के लिए, या बर्तन साफ करने के लिए, फ्लोर को पोंछने के लिए, ये सारी चीज़ होना चाहिए। The scarcity of water can lead to unhygienic surroundings. अगर पानी का शॉर्टेज होगा तो डेफिनेटली क्लीन नहीं हो सकता अच्छा से सराउंडिंग। ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी स्टोर्ड इन ए क्लीन एंड कवर्ड वेसल्स। तो ड्रिंकिंग वाटर साफ सुथरा जगह में रहना चाहिए और उसको हम लोग क्लीन करके रखना चाहिए। स्टोरेज टैंक मस्ट बी क्लीन एट रेगुलर इंटरवल्स। तो पानी जहाँ पे रखते हैं, मतलब पानी जो टैंक जो है, टैंक्स और पानी टैंक्स में टैंक्स को हम क्या करना चाहिए, उसको रेगुलरली एक इंटरवल बेसिस में 5 दिन के बाद या एक हफ्ता या 15 दिन के बाद साफ सुथरा रखना चाहिए। तब तक हम लोग कह सकते हैं कि हमारा घर एक आइडियल होम है, बिकॉज वाटर सप्लाई ऑल्सो ए फीचर्स ऑफ एन आइडियल होम। Then student come to next feature, that is your safety. Doors and windows should have bolts and locks. The main doors must have a spy eye to ensure that the door is not open to the stranger. There should be a wall or a fence all around the house to keep animals and strangers out. There should be a proper system of escape in case of a fire और अदर नेचुरल कलामिटी। देखो बच्चे, घर में हमको एक सुरक्षित और सेफ्टी करके रहना चाहिए या रखना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग घर को सेफ्टी रखने के लिए कुत्ता रखते हैं, बिल्ली रखते हैं, ये सारी चीज़। कुत्ता अगर कोई बाहर का स्ट्रेंजर आ जाता है, मतलब अनजान आदमी आ जाता है, तो कुत्ता भुगता है, तो हम लोग जानते हैं कौन आता है क्या आता है। तो प्रॉपर लॉक सिस्टम भी होना चाहिए, लॉक करना चाहिए, क्योंकि बाहर का कोई स्ट्रेंजर आना, अनजान आदमी या स्ट्रेंजर या चोर आना जाए और ये सेफ्टी हो जाए बोल के हम लोग, क्योंकि घर में बहुत सारे सामान रखते हैं, कि इसको ऐसे इतना अच्छा करके बनाना चाहिए कि कोई प्राकृतिक विपर्य जैसे कलामिटी, नेचुरल कलामिटी जैसा चीज़ भी नहीं होना आना चाहिए। और इसको अगर आएगा भी तो सडनली हम उसको ख़राब ना करें या बर्बाद ना करें, इस टाइप का चीज़ हम लोग घर में एक सेफ्टी जैसा करना चाहिए एज इट इज़ पॉसिबल। ओके, सो हियर आई जस्ट लुक द डू यू नो डोर्स एंड विंडोज शुड हैव कर्टन्स। Curtains help the house look nice and maintain privacy. Definitely curtains look nice and maintains privacy. They also help to keep the flies, mosquitoes, dust off. ये सारी चीज़ फर्दर हम लोग को हेल्प करता है फ्लाइज को रोकने के लिए, मस्कीटोज को रोकने के लिए, और यह डस्ट भी बाहर से नहीं आ सकता। देन फीचर्स नंबर 7, नाउ लुक दिस 7, cleanliness. A house should be kept neat and clean. The furniture and other things should be dusted every day. Floors should be wiped with disinfectant. Things should be kept in proper places. It keeps the house neat. Tidy and saves a lot of time. So cleanliness also most necessary, like this sanitization
So what happens, student? Cleanliness means you have seen many times dust as okay covering to many things on okay on the floors and in your okay that is your utensils everywhere. Okay, should be wiped with disinfectant. Things should be kept in proper places and keep house neat and tidy and safe. So इसलिए घर को हम लोग क्या करना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए और प्रॉपर जगह में प्रॉपर चीज रखना चाहिए, नहीं तो सब धूल उड़ के अपना जो बर्तन में लग जाएगा, कपड़ा में लग जाएगा या फ्लोर में हो जाएगा, तो ऐसे होते रहता है. ओके, अक्सर होते रहता है, तो इसलिए हम लोग को साफ सुथरा रखना है. तो 7 नंबर क्लीनिनेस द फ्यूचर ऑल्सो हम लोग कंप्लीट कर दिए. देन नेक्स्ट कम टू नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट फेज एंड दैट इज योर लास्ट फीचर्स ऑफ द एन आइडियल होम, गार्बेज डिस्पोजल. तो गार्बेज डिस्पोजल को हम कैसे करें? ओके, अ क्लीन होम एंड नेबरहुड रिक्वायर एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ गार्बेज डिस्पोजल सो दैट हीप्स ऑफ गार्बेज डू नॉट हार्म द पीपल और द एनवायरमेंट. अगर हम लोग गार्बेज अपना घर से क्लीन करें या नेबरहुड को हम लोग सचेतन करें, वो लोग भी सचेतन हो जाए, उसको प्रॉपर जगह में रखें या जैसे कि म्यूनसिपल्टीज को दें, म्यूनसिपल्टी लोग आके कलेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ लेके दूसरा जगह में फेंकेंगे तो क्या है, लोगों को हार्म नहीं होगा, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, या हमारे जो पर्यावरण है वो भी, एनवायरमेंट जो बोलते हैं वो भी नीट एंड क्लीन रहेगा, अच्छा रहेगा. ओके, द पीपल मस्ट सेपरेट दोज आइटम्स दैट कैन बी रीयूज्ड एंड रिसाइकल टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज. द पीपल मस्ट सेपरेट दोज आइटम, तो बहुत जैसे कि गार्बेज से हम लोग अलग अलग करके उसको रखना चाहिए कि जो चीज़ रिसाइकिल हो सकता है, जो चीज़ की रीयूज हो सकता है, हमको वेस्ट यूज बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग वेस्ट यूज को बढ़ाने के लिए या जैसे कि रीयूज करने के लिए, रिसाइकिलिंग करने के लिए, जो चीज़ ज़रूरत है, ज़रूरतमंद है, जो रीवेस्ट के लिए, उसको अलग करके रखना चाहिए, जो चीज़ नहीं ज़रूरत नहीं उसको हम लोग जैसे कि सब्जी का जो पाइल्स है उसको हम लोग फेंक देंगे, या जो चीज़ है प्लास्टिक को हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं, इससे सारी चीज़ को हम लोग अलग से करके रखना चाहिए, जो कि इन फ्यूचर उसको रीयूज किया जाए या रिसाइकिल किया जाए. ओके, द गार्बेज शुड बी डिस्पोज ऑफ फ्रॉम द सराउंडिंग ऑन डेली बेसिस. तो गार्बेज को हम लोग डिस्पोज करना चाहिए कि डेली बेसिस में पर डे उसको जाके लेकिन क्लीन करना चाहिए, कि प्रॉपर गाइडलाइन से करना चाहिए. वी आर ऑल रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट. हम लोग सब रेस्पॉन्सिबल है कि प्राकृतिक पर्यावरण को हम लोग उसको सुरक्षा या प्रोटेक्शन सेव करने के लिए हम लोग सब रेस्पॉन्सिबल है. वी शुड कीप फ्रेश प्लांट्स अराउंड आवर हाउस. हम लोग और क्या है, हमारे घर का आसपास आंगन में या आसपास में एक फ्रेश प्लांट भी लगाना चाहिए या प्लांटेशन भी करना चाहिए, क्योंकि हम लोग को वहाँ से अच्छा एयर मिलेगी, अच्छा लगे, ग्रीनरी लगे, क्लीन एंड ग्रीन होम हो जाए, ये सारी चीज़ करना चाहिए. वी मोस्ट प्लांट ट्रीज इन आवर कॉलोनी. सो हमारे कॉलोनी में भी हम लोग प्लांटेशन करना चाहिए, ज़रूरत है. वी शुड लिव इन हारमोनी इन साइड आवर होम एंड विद आवर नेबर्स. तो हम लोग शांत, इसलिए सारे चीज़ को करने के लिए हमारे पड़ोसी या हम लोग के अंदर हमारे घर का मेंबर के साथ हम लोग एक सचेत नागरिक जैसा घर का पास पास में प्लांटेशन करना चाहिए. द कोऑपरेशन शेयरिंग एंड केयरिंग क्रिएट्स अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द कोऑपरेशन, एक दूसरे को सहायता करना, शेयरिंग, एक दूसरे को कुछ ऐसे फीलिंग को शेयर करना, अदल बदल करना, या केयरिंग, किसी को एक जतनवान जैसा दिखाना या केयर करना, ये सारी चीज़ क्या करता है, क्रिएट्स अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट. दिस विल क्रिएट अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट. ओके,
So now just look the, do you know a house may be big or small? It may be in a village or in a city, but it must be clean, safe and comfortable to live in. So this type of home, we must say this is an ideal home. So student, I hope that to you will keep your home neat, clean, neat and clean and greenery, and you will also recognize, your home will recognize as the as an ideal home. If anyone is not obeying your rules and they are not cleaning their home and their surrounding, you should say them to prevent these things and how they will keep their surrounding and their home neat, clean and green. So we will fulfill the mission of Swachh Bharat, Swachh Bharat mission like this. So hope that you will follow this my instruction. And today we have finished this 4 number chapter reading. We have finished. Next video I will do, and I will make next video for you, that will be your question answer, and this is the explanation of the chapter. You will go through these things. For today this is too much. Thank you and have a nice day. Bye bye.